हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अभी सुबह की बजी हुई है 9:30 और मैं नहा लिया, पूजा करके अभी आई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू गलने के लिए, यहाँ दिए मैंने आलू गलने के लिए। तो आलू उबल चुके हैं, तो आज हम बना रहे हैं मट्ठा के आलू। और मेरी है एकादशी का व्रत, मेरा और तिवारी जी का, दोनों का एकादशी का व्रत है। तो फलाहार हमारा बनाना है अभी। तो यहाँ पर आलू गल गए हैं, तो इसी में से मट्ठे के आलू बना दूंगी और इसी में से बना लूंगी खिचड़ी साबूदाने की। तो चलिए मैं अब लग जाती हूँ अपने काम में। फिर पहले मैं इनको छील लूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आलू छील लिए हैं और लगा दिया है मैंने आलू की सब्जी में चौंका। तो यहाँ पर जीरे राई हींग से मैंने चौंका लगा दिया है, आलू डाल दिए और इसमें डाल दिया है मसाला। तो बस मसाला मैं वही डालती हूँ जो रोज सब्जी में डालती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा इसको मैंने मसाले में भून लिया है। इसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें मट्ठा। तो फ्रेंड्स, मट्ठा को डालने के बाद हम थोड़ी देर देर में हिलाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इसको चलाती हैं तब तक ये फटता नहीं है। अगर हम बंद कर देंगे इसको उबलने के लिए रख देंगे तो ये फट जाएगा। तो बीच बीच में मैं इसको चलाती जाऊंगी जिससे सब्जी का टेस्ट बना रहे। अगर ये फट जाता है तो उतना फिर टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा डाल दिया है मैंने इसमें पानी, तो आप लोग खुद देख सकती हैं कितनी अच्छी कलर आया हुआ है। अब हम इसको उबलने देंगे और बस बीच बीच में चलाना है इसको। और यहाँ पर मैंने कहा एक गैस पर जब तक सब्जी उबल रही है तब तक मैं यहाँ पर सेक लेती हूँ रोटी। आटा मैंने लगा के पहले ही रख दिया था कि जिससे 10-15 मिनट आटा लगा रखा रहता है तो अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर सब्जी भी छौंक दी है और एक गैस पर बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, काम आराम से करते हैं, बच्ची को भी कहीं नहीं जाना किसी को, और कपड़े वगैरह बहुत धोना पड़ते हैं संडे के दिन की यूनिफॉर्म सभी की। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मैंने कहा इस पर गैस पर हो रही है सब्जी उबल रही है, इस पर सेक देती हूँ मैं रोटियाँ, तो बच्चे लोग खा लेंगे। तो बस यहाँ पर रोटी और सेक दूँ, गरम गरम सर्दी में अच्छी लगती हैं। गर्मी में तो चलो थोड़ा गर्म ठंडी रोटी सिक जाए तो अभी कोई बात नहीं है, मतलब सेक कर रख दूँ, लेकिन सर्दियों में तो गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर रोटी सिकना शुरू हो गई है और फिर मैं लगा दूँगी बच्चों को थाली। और मेरा तो व्रत है, मेरा और तिवारी जी का, तो हम दोनों को बनाऊँगी मैं खिचड़ी जब खाना बन जाएगा इसके बाद। और फ्रेंड्स, खाना भी बन चुका है और साबूदाने की खिचड़ी भी बन चुकी है। तो बस मैं अपने ले रही हूँ खाने के लिए। ये देखिए साबूदाने की खिचड़ी बन चुकी है और ये है मट्ठा, इसको भी मैंने छौंक दिया जीरे से। तो चलिए अब मैं ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ साबूदाने की खिचड़ी और सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है। तिवारी जी भी फलाहार करके निकल गए हैं अपने काम पर और अब बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं और खा लेती हूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। अब बस थोड़ी सी लूँगी, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर ले लिए हैं मैंने जो दाने तले हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तले हुए दाने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी थाली लग चुकी है फलाहार की। तो मैं पहले थोड़ा सा फलाहार कर लूं, इसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, खाना हम लोगों ने तो सबने खा लिया है, लेकिन चुनिया को भूल गए थे अभी, खाना चुनिया ने नहीं खाया है और बहुत टाइम हो गया है, चुनिया को भी देना है। जैसे ही मैं किचन में से आती हूँ वैसे ही चुनिया आवाज़ लगाने लगती है कि मुझे भी खाना दे दो, और आज सच में ही मैं भूल गई चुनिया को खाना देना। तो बस अब मैं अपना काम करने के बाद चुनिया को दे रही हूँ खाना। तो ये ऊपर देखिए, बस दो बोरी भूसा मिला हुआ था और वो भी बहुत मुश्किल से मिला था। तो अब ये फिर से ख़त्म होने वाला है भूसा, अब देखते हैं कहाँ से लेकर आते हैं भूसा, क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं रहा, इसे बहुत मुश्किल से मिला था, वो भी 2-3 बार
घूमते रहे यहाँ वहाँ तब, और ये फिर से ख़त्म होने वाला है। अब देखते हैं कहीं से मिल जाए, नहीं तो फिर देखते हैं गांव वगैरह चुनिया को हम भेजाएंगे कहीं ना कहीं। ये मैं सोच रही हूँ दूध छूट जाएगा तो इसके बाद हम भेजा देंगे चुनिया को, अभी दूध पीती है ना इसीलिए। तो ये देखिए चुनिया भी भूखी है तो कैसे, मतलब उसको भी लग रहा है कि चलो मैं भी खा लूँ। और यहाँ पर धूप अच्छी है तो मम्मी बैठी हुई हैं, तो मैंने बस अब मैं चुनिया को खोलकर गाड़ी से बांधूंगी कि जिससे वो अच्छे से अपना खाना भी खा ले, और मैं भी यहीं बैठ जाऊंगी थोड़ी धूप में। सर्दी में खाना खाने के बाद थोड़ी सर्दी सी लगती है। और फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 4, तो बस यहाँ पर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पता नहीं चलता और शाम हो जाती है। सर्दी के दिन बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, और काम करती रहती हूँ शाम हो जाता है, बहुत मुश्किल से सर्दी में काम हो पाता है। और ये देखिए अभी मैं मतलब पूरा काम करके फ्री नहीं हुई हूँ और शाम का काम आ गया। मैं चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने, चाय बन जाए तो फिर मैं गौरी के उसमें लग जाऊंगी, क्योंकि गौरी को भी खाना देना है, चुनिया को अंदर बांधनी है, बहुत काम रहता है आपको पता है घर में, और जब जानवर रहते हैं तो और काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए चाय उबल चुकी है, तो बस अब मैं चाय को छान लूँगी और चाय पीने के बाद ही आप लोगों से मिलूँगी मैं। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, सर्दी का मौसम है। ये देखिए चाय मेरी छन चुकी है गिलास में, और मैं जा रही हूँ अब चाय पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपने काम से फ्री नहीं हुई थी, जैसे किचन में ऐसे आई वैसे ही गौरी अंदर आ गई है। अब मुझे गौरी को खाना रखना है, क्योंकि दोपहर में गौरी आई नहीं थी आज। आजकल गौरी भी सर्दी की वजह से धूप में बैठी रहती है, आती नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने गौरी को रख दिया है खाना, गौरी खा ले, तो इसके बाद हम करेंगे गौरी का काउ मिल्किंग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोग देखिए गौरी का काउ मिल्किंग, मैं लगा लेती हूँ गौरी को। पहले तो मैं गौरी को स्टार्ट कर लेती हूँ जिससे चुनिया पी सके अपनी माँ का दूध। चुनिया भी सुबह से ही इंतज़ार कर रही है आज की माँ आ जाए, लेकिन गौरी आजकल आती ही नहीं है, क्योंकि गौरी भी धूप में बैठी रहती है, उसको भी सर्दी लगती है। जब याद आती है अपनी बेटी की तब उठा के चली जाती है और सीधा अंदर आ जाती है अगर अंदर बंदी हो, और बाहर मैं फिर थोड़ा ही धूप में बांधती हूँ फिर अंदर कर लेती हूँ चुनिया को, नहीं तो फिर क्या होगा चुनिया दूध पी लेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं लगा लेती हूँ गौरी का दूध।